Yeah, everything is good. You'll be fine. हरे कृष्णा, आप सभी दर्शकों का लाइफ कोचिंग विद नमिता की एक नई कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि कुछ भी करने और कहने से पहले हजार बार सोचना चाहिए, पर कितना सोचना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही रहेगा ये शायद हम समझ नहीं पाते। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं एक लाइफ कोच के थ्रू? तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे शो के लाइफ कोच का, जिनका नाम है नमिता पुरोहित जी। हरे कृष्णा नमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नमिता जी कि आज का ये जो आपने विषय लिया है, ये टॉपिक जो ओवर थिंकिंग का, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, ये आपने क्यों लिया है? सोचना तो एक नॉर्मल सी बात है, बट ओवर थिंकिंग क्यों एक इशू है जिसके लिए आपने ऐसा सोचा कि इस टॉपिक को लेना चाहिए? बहुत से दर्शकों की रिक्वेस्ट आती रहती है, हर YouTube वीडियो के बाद में मैं कमेंट्स में पूछती हूँ सबको कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो हमेशा ओवरथिंकिंग रहता है। तो ये लिस्ट में बहुत समय से था, आज इसका चांस आया है, और आई थिंक लास्ट वीक भी काफी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा चलो इस समय करते हैं। और मैं भी ओवरथिंकिंग से एक समय था मैं बहुत पीड़ित थी, और मैं उससे बाहर निकली काफी लोगों की मदद से, काफी अपने आप में बदलाव लाकर, काफी सारी चीजें करके। तो मुझे लगा कि मैं अपने अनुभव को शेयर कर सकती हूँ सबके साथ में, और शायद उससे उनको लाभ मिले। और ये जो ओवरथिंकिंग जो होती है ना, इससे हमें एक बात पता चलती है, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं ना, उस चीज के प्रति हमारी बहुत आसक्ति है और उसे छूटने का डर है। तो क्योंकि वो आसक्ति है और क्योंकि उसके छूटने का डर है, तो हम उसके बारे में बहुत बहुत सोचते रहते हैं। तो अभी कैसे उससे जूझे, कैसे उससे निपटे, कैसे उसको ओवरकम करें? और एक और बात, ये कई सिचुएशंस में ओवरथिंकिंग होती है, जब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे होते हैं तो उस समय तो होगी ही। और दूसरा ये क्या है कि ये बहुत सारे अलग अलग लोग कहते हैं कि नहीं, आपको अब थॉटलेस होना है, विदाउट थॉट्स होना है, तो उसके कारण भी फिर लोगों को प्रेशर लगने लगता है कि अरे यार मेरे तो थॉटलेसनेस ही नहीं हो रही। फिर वो आप थॉटलेसनेस होते होते आपको ये थॉट आने लगती है आई एम नॉट थॉटलेस। तो ये थॉटलेसनेस तो होना पॉसिबल नहीं है, थॉट्स तो हमेशा रहेंगे, पर उनको कैसे सहज रूप से, कैसे शांत मन से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हम इसकी जड़ तक जाते हैं, ये ओवरथिंकिंग क्यों होती है, मतलब हम ज्यादा क्यों सोचते हैं, उसका कोई रीजन होगा शायद, मतलब आप इतना पढ़ते हैं साइकोलॉजी के बारे में, तो आप उसका एक रीजन बताइए कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है कि व्हाई डू वी ओवरथिंक। मेजर जो रीजन रहता है, एक तो ये है कि डर, हमें बहुत डर लग रहा है। कोई आप सिचुएशन में हो, आपको कोई निर्णय लेना है, और उस परिस्थिति में वो निर्णय लेना है, और ये कुछ करेंगे तो लाभ होगा, कहीं नुकसान होगा, तो वो निर्णय कैसे ले? वो नुकसान हमें छोड़ना नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए, और लाभ होने में थोड़ा रिस्क लग रहा है, और अंदर ही अंदर डर रहता है। या तो कई बार कोई निर्णय लेने के समय होता है, कई बार किसी को फेस करते वक्त इंटरव्यू में जाने के पहले बहुत ओवरथिंकिंग होती है क्योंकि अगेन ये जॉब का मुझे, मेरी आसक्ति है, और अगर ये छूट गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुख होगा, तो उसके कारण भी बहुत ओवरथिंकिंग हो जाती है। फिर कई बार कई लोग ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं कि जैसे कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जैसे कोई किसी को बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी की हेल्थ बहुत खराब हो गई, तो फिर क्या वो हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं? तो उस सिचुएशन में भी ये लोग ओवरथिंकिंग करते हैं। रिश्तों में मन मुटाव होने के कारण भी बहुत ओवरथिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा, है ना? क्योंकि हम सब प्रेम चाहते हैं, हमारी आसक्ति है कि अच्छा रिश्ता रहे, प्रेम रहे, और वो नहीं मिलता है, उसके छूटने का डर रहता है, तो फिर ओवरथिंकिंग होती है। कई बार जैसे बड़े निर्णय लेने हैं, करियर चेंज है, स्थानांतरण है, या कोई मेडिकल आपको कोई डिसीजन लेने हैं, तो तब भी ओवरथिंकिंग होती है। और ये ओवरथिंकिंग, जैसे इतने सारे विचार होना, फिर कईयों को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है,
उनकी बॉडी में ही ऐसी पूरी वो बन गई है, उनका अन्नमय प्राणमय मनमय कोश का जो पूरा सर्किटरी ऐसा बन गया है कि उनको हर चीज में एंग्जाइटी होती है और हर चीज में ओवरथिंकिंग होती है और वो चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। कई लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं उनकी भी बहुत ओवरथिंकिंग होती है और ओवरथिंकिंग से भी डिप्रेशन हो जाता है, इट्स यू नो विशेष साइकिल है। और हम ये देखेंगे जैसे महाभारत में शांतनु को ये बड़ा आकर्षण था सत्यवती से, है ना, और पूरा प्रेम था और विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन सत्यवती ने ये कंडीशन डाली कि भाई अगर आप मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, आपका ये भीष्म तो नहीं बनेगा, तो उसके कारण वो इतनी ओवर थिंकिंग, इतने विचारों में, इतनी एंग्जाइटी में, इतने पेन में, इतनी इमोशनली डिस्टर्बेंस में चले गए कि उनसे राजकाज नहीं संभाल पा रहा। तो ये उसमें भी देखते हैं। और रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन वो क्या है हमको सिखाने के लिए, तो जैसे रामायण में जब सीता जी का अपहरण होता है और जब उन्हें पता चलता है कि सीता जी का अपहरण हो गया और वो ढूंढ रहे हैं सब जगह, तो उनके भी आप देखेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो इतने सारे विचार बने जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारा, अरे अयोध्या में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, जनक महाराज को क्या कहूंगा, सीता कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या तकलीफ में होगी, मैं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना, मतलब। और वो लक्ष्मण जी उनको धाड़स बंधा रहे होते हैं। और वही सीता जी का आप देखेंगे जब मेघनाथ जो है नागपाश में राम और लक्ष्मण जी को बांध देता है और उनको जबरदस्ती वो न्यूज पहुंचाई जाती है सीता जी को कि उनका वध हो गया रामचंद्र जी का, तो वो कैसे एकदम कितने सारे विचार एक साथ बमबार्ड होते हैं उनके मन में और वो कैसे एकदम व्यथा में चली जाती है और क्या 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 सोच लेती है वो उस समय में। तो ये सब होता है, ये इन्होंने हमको दिखाया कि ये होता है और कुछ सिचुएशंस में स्वाभाविक है होना, लेकिन अगर हर सिचुएशन में हो रहा है, इतनी घबराहट हो रही है, इतनी ओवरथिंकिंग हो रही है, हम पैरालाइज हो रहे हैं, हमको आगे का दर्शन नहीं हो पा रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। पर नमिता जी, जैसा आपने कहा कि डर की वजह से ओवरथिंकिंग होता है या फिर ये सब चीजों के बारे में आपने बताया, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये सारे फीलिंग्स होना दैट इज वेरी नेचुरल। जैसे पहले के आप शोज में आप कहते आई हैं कि ये चीजों का ज्ञान होना, बोध होना इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको ये फीलिंग्स हैं, वी कैन नॉट सप्रेस देम, उन्हें हमें दबाना नहीं चाहिए। तो ये सब फीलिंग्स अगर आ रहे हैं, अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो क्यों ओवर थिंकिंग को एक इशू बनाया गया है, कि प्रॉब्लम क्यों है ओवर थिंकिंग, वाई इज इट लाइक क्रिटिकल टू ओवर थिंक? बिकॉज ओवर थिंकिंग, सी थिंकिंग इज गुड, क्रिटिकल थिंकिंग इज गुड, अच्छे से सोचना, मतलब एक व्यवस्थित वे में सोचना, डिसीजन बनाना, प्रॉपर एनालिसिस करना, ये अच्छी बात है। लेकिन जब उसके साथ में भय के इमोशंस आ जाते हैं और ये बहुत सारे एंग्जाइटी और ये सब आ जाती है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो सोचना हम सबको है, हर चीज में निर्णय लेना है। आप दुकान में जाते हो, मेरी फेवरेट दुकान यूएसए में होती थी कॉस्टको, क्योंकि उसमें हर चीज के दो ही ब्रांड होते थे, कॉस्टको ब्रांड और एक रेगुलर ब्रांड। डिसीजन ही नहीं लेना है, ज्यादा डिसीजन मेकिंग करनी नहीं है, बैठ बैठ के रिव्यू नहीं चेक करने की, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, जस्ट डिसाइड टू थिंग्स ओनली, राइट। बट हमारे जीवन में इतनी सारी हम चॉइसेस बनानी होती है, एवरी मिनट वी हैव टू मेक अ डिसीजन, सो मेनी डिसीजंस वी आर मेकिंग एंड वी हैव टू थिंक, और फिर हम थक जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण कई बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंग्जाइटी होती है, इनसोम्निया, नींद कईयों की उड़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और हेल्थ में अंदर ही अंदर आप ऐसे चिंतन में एकदम जूझ रहे हो अंदर ही अंदर, तो उससे आपके शरीर पे बहुत बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए लोग नहीं चाहते, और लोग खुश नहीं रह पाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं, इतना विचार चलते रहता है। तो और दूसरा क्या है, वी आइडेंटिफाई विद दीज थॉट्स, We are not these thoughts, है ना? ये thoughts हम नहीं है, ये thoughts real भी नहीं है, लेकिन हम इनके पूरी तरह से इनके साथ identify कर लेते हैं, उसको real समझ लेते हैं, और फिर हर time उसके बारे में सोचते रहते हैं, मुझे overthinking नहीं करना, overthinking नहीं करना है, तो इसके कारण problem हो जाती है। But ये natural है और ये होगा ही। और रही बात डर की, जब हमें overthinking ये तब होती है out of fear, जब डर के कारण, डर यू नो, जब कोई चीज छूटने का या मिस हो जाने का या कोई मेरे साथ क्या हो जाएगा ऐसा डर रहता है, और उस सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए या वो चीज हमको मिल जाए उसके लिए हम जब बहुत थिंकिंग करते हैं,
और डर भय 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 के बहाव में जाकर ऐसी थिंकिंग हो रही होती है, तो उस समय जैसे आपने याद दिलाया सबको, पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि मुझे डर लग रहा है ना, आई एम स्केर्ड राइट नाउ, अरे मुझे बहुत भय की अनुभूति हो रही है, बहुत डर लग रहा है। यूजुअली क्या होता है, हम वो भय की अनुभूति में ही रहते हैं, डर में ही रहते हैं, और अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा ऐसे करते ऐसा करते ऐसा करते ये ऐसे ऐसे करके हम डिसीजन बनाते हैं और वो डर बढ़ते जाता है। पहले हम एक उपद्रष्टा बन के, खुद का उपद्रष्टा बन के ये ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मुझे अभी डर की अनुभूति हो रही है, ये फीलिंग ऊपर आ रही है राइट, और इस फीलिंग को मुझे अभी पहले काम करना है, वो डिसीजन क्या होगा, क्या थिंक करना है नहीं करना है, पहले तो मैं अपने आप को एक शांत करना है, मुझे काम डाउन करना है ना, तो आई कैन डीप ब्रीदिंग इज ऑलवेज देयर, तो फील ब्रीद एंड कंफर्ट, ये हमेशा हर चीज में फीलिंग के लिए मैं कहती हूँ, तो पहले फील इट, आई एम फीलिंग स्केर्ड, मुझे डर लग रहा है, मैं डर को रिलीज करती हूँ अपने शरीर से, ब्रेथ से अपने डर को काम डाउन कीजिए, ब्रीदिंग से क्या होता है पूरा शरीर आपका मन वगैरह सब काम डाउन हो जाता है, और वो डर की फीलिंग को आप ऐसे जब सांस छोड़ते हैं ना, आप ऐसे विजुलाइज कीजिए कि वो जा रही है, और फिर अपने आप को कंफर्ट कीजिए, या तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लाइए, या कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा खाइए जिससे आपको थोड़ा ठीक लगता है, या किसी से बात कीजिए, देन कम बैक टू द थिंकिंग प्रोसेस। तो पहले एक्नॉलेज कीजिए मुझे बहुत डर है, उसको काम डाउन कीजिए, है ना। दूसरा ये समझिए कि वॉट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, बुरा से बुरा क्या होगा, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, है ना, बुरा से बुरा यही होगा, रोटी नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा, हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा, कोई डिवोटीज का संग नहीं रहेगा, बुरा से बुरा क्या होगा। तो वो जब आप बुरे से बुरे आउटकम को सोच लेते हैं ना, और उसको इमेजिन करते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा ना, तो मैं इस परिस्थिति से मैं इससे डील कर लूंगी, स्टेप नंबर थ्री। तो पहले क्या है, फियर को काम डाउन कीजिए, सेकंड ये है कि बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स्ट आउटकम सोच लीजिए, तो फिर बाकी सब टाइम पास आउटकम लगते हैं आपको, आपको लगता है ये सब क्या है, ठीक है आई कैन डील विद दिस, क्योंकि आपने वर्स्ट कैसे डील करना है आपने वो सोच लिया है, तो वो डर निकल जाता है। तीसरा, अपने आप को ये समझाइए कि आई कैन डील विद इट, मैं हर परिस्थिति का सामना कर लूंगी, अपने आप को ये बोले। और चौथा ये बोलिए कि जो भी होगा, जो भी इसका मतलब आउटकम आएगा, वो पूरी तरह भगवान की निगरानी में है, भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं होगा, तो जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरे सुहृद है। तो ये चार स्टेप कीजिए। यूजली क्या हम अपने आप को समझाते रहते हैं, अपने इमोशन को काम डाउन नहीं करते हैं, तो पहले डर को काम डाउन कीजिए, फिर ये लॉजिक से अपने आप को यू नो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू अ प्रॉपर काम सिचुएशन, कि आई कैन फेस एनीथिंग, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, भगवान की इच्छा से हो रहा है तो जो होगा अच्छा होगा, और मुझे भगवान शक्ति भी देगा, भगवान मेरे साथ है। तो ये जो नमिता जी आपने डर के जो आपने सॉल्यूशंस दिए हैं कि किस तरीके से हम, अगर हमें डर लग रहा है तो उसके कारण जो ओवरथिंकिंग हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, बट आपने जैसे पहले बताया था कि रिलेटिव्स की वजह से या घर में कभी कोई कलह कलेश होता है या कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनकी वजह से भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में तो ओवरथिंकिंग को हम रोक नहीं सकते ना, तब क्या आप करेंगे, तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आई नो, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, तुमसे ना मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, आप सामने हो तो मेरे दिल का हाल क्या, आप नहीं हो तो मेरे दिल का हाल क्या, आप बात करते तो क्या होता है, नहीं बात करते तो क्या होता है, ये बड़ा पेचीदा रहता है रिश्तेदारी में ना, और हम सबके साथ रहना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी आसक्ति क्या है कि प्रेम वाले रिश्तों में हम हमेशा रहें, सबके साथ में एकदम मंगल हो, सब आनंदित हो, और डर क्या है, अकेले हो जाने का, मैंने कहा ना हमेशा एक आसक्ति रहेगी और एक डर रहेगा, तो वो मन मुटाव से हम क्यों डरते हैं, क्यों ओवरथिंकिंग होती है, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है, प्रेम के, प्रेम से भरे रिश्ते रहें, और डर क्या है, हम अकेले हो जाएंगे, है ना। तो ये पहले एक्नॉलेज कर लो कि भाई ऐसा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि परिवार में जब हम रहते हैं ना, परमानेंट सिटीजनशिप रहती है,
ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट जब्त हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत उल्टा सुलटा कर दिया तो, है ना। आप हमेशा उस कंट्री में, आप हमेशा जा सकते हो उस फैमिली वाली कंट्री में, आपको हमेशा एंट्री, कोई वीजा पासपोर्ट, वो हमेशा हमेशा सिटीजन है आप उसके। तो चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली हमेशा साथ में रहेगी। ये आपको सोचना है कि मैं सबके साथ रहूंगा, दैट्स नंबर टू। तीसरा आपको ये देखना है कि मन मुटाव के कारण क्या है, जो मन मुटाव हो रहे हैं, जिनके कारण ओवर थिंकिंग हो रही है, उसका कारण क्या है। उसके दो कारण है। एक कारण ये है कि दोनों में से किसी का ईगो है, मेरे राइट साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए, मैं राइट सास हूं तो मेरे साथ बहू को ऐसे रहना चाहिए, बहू को मेरे साथ ऐसा मेरी सास को रहना चाहिए, या बेटे का माँ के साथ, बेटी का माँ फादर, ये वो सबके साथ में सब कुछ, यू नो, इट इज ऑल अबाउट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दी अदर पर्सन, एंड कि दूसरा इंसान, दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और मेरे लिए क्या करना चाहिए, है राइट ना। तो ये सब एक उपाधि से कनेक्टेड है, मेरे सास की उपाधि, मेरे बहू की उपाधि, माँ की उपाधि, मेरे बच्चों को मेरे साथ ऐसे बात करनी चाहिए, मैं माँ हूं इनकी। बच्चे को रहता है, मैं बच्चे नन्हे कंधे हमारे लिए, आपको प्यार से बात करनी चाहिए हमसे। ये सब उपाधि से रिलेटेड अपेक्षाएं बन जाती हैं। राइट तो जितने ये अपेक्षाएं कम होंगी ना, रिश्तों में मन मुटाव उतना कम होगा, फिर आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगी। तो अपेक्षा, या तो ये अपेक्षा कम करनी है। दूसरा ये जो है ना, कि जैसे हमने दो शो किए हैं, एक सेल्फ लव के ऊपर और जी एक इस विषय पर किए थे, पिछले समय आपके साथ ही थी मैं ऋचा जी, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, अकेलेपन से कैसे जूझें। तो उसमें जी ये समझाया था कि आई एम कंप्लीट, राइट चाहे मेरा अभी मन मुटाव हो गया है किसी के साथ, थोड़ी बहस हो गई है, बट इससे ना वो कम हुआ है ना मैं कम हुई हूँ, वो भी कंप्लीट है, मैं भी कंप्लीट हूँ, है ना। और थोड़ा समय देंगे ना, ये बात चली जाएगी, नहीं तो क्या हम ओवर थिंकिंग कर करके फिर हम उसको कुछ जोड़ने का या उसको ठीक करने में जाते, बात और बिगड़ जाती। समय जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा कहती है, बातें कभी क्लियर नहीं होती, क्लियर करने जाओगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो मत क्लियर करो, अपने आप सब शांत हो जाएंगे, अपने आप सब प्रेम होगा सबके बीच में, तो क्लियर तो होंगी नहीं कभी बातें। तो ये समझना जरूरी है। और ये कि भाई कई बार क्या होता है कि ओवर थिंकिंग रिश्तों में मनमुटाव के कारण इसलिए भी होती है कि पीपल आर नॉट बिजी। अगर आप अपने कोई गोल में, कोई उद्देश्य में पूरा मन लगा के बिजी हो, दैट गोल इज बिगर देन योर सेल्फ, बिगर देन व्हाट यू नो यू वांट, यू नो कि क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपका ध्यान रहता है ना, तो फिर आप ये छोटी छोटी बातों में इतना दिमाग नहीं लगाते हो, आपको राइट टाइम नहीं रहता है, आपका टाइम, आप ओवर थिंकिंग, ये सबको ये समझना कि ओवर थिंकिंग मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे उद्देश्य को अचीव करने में, या मेरे एंजॉयमेंट के टाइम से, या मेरे भक्ति के टाइम से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये राइट समझना है। और लास्ट जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी आपके साथ आपको चुन के वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, कोई और भी होगा ना उसके साथ भी वो वैसे बिहेव करेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। आप भी सबके साथ में आपका वैसा ही बिहेवियर रहेगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, ये मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ जिसको चाहिए। क्योंकि व्हेन यू स्क्वीज एन ऑरेंज यू गेट ऑरेंज जूस, हमेशा मैं बोलती हूँ, एप्पल जूस नहीं निकलता है, तो राइट जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही जूस निकलता है, वैसा ही रस आता है उस रिश्ते में। तो पर्सनली नहीं लेना है। राइट गॉट इट। तो नमिता जी, अभी तक तो जो हमने बात किया रिश्तों में मन मुटाव इन सब चीजों की, या अलग अलग प्रॉब्लम्स जो फैमिलीज में होती हैं उनके कारण जो ओवर थिंकिंग होता है उसके बारे में हमने बात किया। पर जैसे अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रहा है, या किसी को शादी करना चाहता है, या ऐसे अन्य अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं यार किसी के लाइफ में, तो इन सब सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? ये तो समझा हमें कि फैमिली है, परमानेंट हमारा यहाँ पे सिटीजनशिप है, तो ठीक है, हो गया, जाने दो, ऐसा वाला सोच के जाने देते हैं। बट अब जॉब नहीं मिल रहा है, शादी के लिए लड़का या लड़की नहीं मिल रही है, या शादी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इन सब सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? कैसे ओवर थिंकिंग को रोक सकते? मैं ऐसी सिचुएशन में कई लोगों को देखती हूँ कि वो इतने घबरा जाते हैं और इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब आप घबराए हुए होते हो ना और आप भयभीत होते हो,
तो उस समय आपका जो माइंड है वो बराबर चल नहीं रहा होता, आपकी बुद्धि बराबर काम नहीं कर पाती है, जब इमोशनली आप ऊपर नीचे कौतूहल मचा हुआ है आपके अंदर। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अगर आपको ये मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे, देन फर्स्ट जस्ट लर्न हाउ टू पहले रिलैक्स करना सीखो। अच्छा, मुझे ऐसे सिचुएशंस देखिए, मैं मुझे याद है जब मैंने इन माय फर्स्ट जॉब आई वाज वर्किंग एज एन R&D इंजीनियर एट ओनिडा टीवी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर ओनिडा, नेबर्स एंड बी ओनर्स प्राइड, राइट। जी तो वहां पे हम सबको फ्रेश इंजीनियर्स को एक स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जब मैं गई तो वहां पे जो हमारे टीचर थे वो बोले कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स करके। तो उसने देखा किसी की अभी अभी शादी हुई है क्या, किसी का अभी अभी सिटी चेंज हुई है क्या, या घर बदला, नया घर में गए हैं क्या। मतलब ये सब तो खुशी के मौके, यू नो, किसी की शादी हुई है तो दे आर हैप्पी, इसमें क्या स्ट्रेस है। और ये किसी का घर, नए घर में गए, तो मतलब नए घर में जाने का स्ट्रेस क्या है, तो नया घर है, एंजॉय करना है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या हमको समझाया कि एनी चेंज इन लाइफ या एनी डिसीजन में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है। तो जब जी कोई चीज काम नहीं कर रही है, आपका जॉब छूट गया है, या कोरोना के कारण बिजनेस नहीं चल रहा है, आमदनी कम हो गई है, या बीमारी आ गई है, जो भी है, ऐसे सब होता है, तो पहले एक्नॉलेज कीजिए, अच्छा मुझे इस चीज का स्ट्रेस है ना, और ये जी मेरी कैपेसिटी से थोड़ा बाहर है, और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है। तो अपने आप को समय देके रोज रिलैक्स करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि उससे आप वो सिचुएशन के साथ जूझ सकते हैं। यूजली क्या होता है, हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते, हम ना सिचुएशन में रिलैक्स करते ना हम ऐसा कुछ करते जिससे हमें वो सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक मिले रोज। हम उसमें ऐसे करते रहते, यू नो, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने 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 फोर्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने किले को छोड़ा नहीं है, मैं ऐसे लगी हुई हूँ। नहीं, ब्रेक लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए रोज, कहीं और ध्यान आकर्षित कीजिए, कहीं वॉक पे जाइए, रोज एक रूटीन बनाइए जिसमें आप बस सोचा कि अच्छा मुझे अब रिलैक्स करना है, मैं इसके बारे में नहीं सोचना हूँ। तो उससे आप काफी सिचुएशन से डील कर पाएंगे। राइट सही बात है, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, ये करके बिल्कुल है। बिल्कुल। और तो नमिता जी बोलिए, सॉरी ये जो डिसीजंस मुझे लेने हैं, पहले तो मैं अपने आप को रिलैक्स कर लूं और रोज एक रिलैक्सेशन का टाइम निकालूं, और ये जो डिसीजन मुझे लेने हैं ये थोड़े मेरे बस के बाहर है, और क्योंकि मैं इतनी इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हूं मैं शायद बराबर निर्णय ना ले पाऊं, तो लेट मी आस्क पीपल फॉर हेल्प, जिनसे मेरी बनती है, जहां मेरा मन मिलता है, उनसे थोड़ी चर्चा करके डिसीजन लेते, क्योंकि दे आर आउटसाइड ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। जो आपके साथ जाल में फंसा हुआ है वो जाल से बाहर कैसे निकलू, वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा ना। आपको कोई चीज जो जाल के बाहर है, थोड़ा डिस्कस कीजिए, सपोर्ट कीजिए, टॉक अबाउट इट, उससे काफी एक टेंस एनर्जी रिलीज होती है और आप शांत हो जाते हो, और फिर आप बराबर ऑर्गेनाइज्ड वे में थिंकिंग करके, चिंतन करके, चिंता नहीं, चिंतन करके आप आगे बढ़ सकते हो। नमिता जी, जैसा अभी तक आपने बताया, उन सब चीजों में से मुझे एक दिमाग में बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से, जैसा आपने पहले भी अब मेंशन किया था कि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हमें हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं। वन ऑफ द इशू जो कि मुझे पता है, जो मैंने अपने सर्कल में देखी है, वो ये कि लोगों का नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जब उनका नींद डिस्टर्ब होता है उनको और ज्यादा हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग का ये स्लीप साइकिल के साथ क्या रिलेशन है, प्लस आप मुझे ये जरूर बताइए कि ये इस सिचुएशन में कैसे हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं। नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। हाँ तो नींद उड़ जाती है क्योंकि इसका एक मैं आयु मतलब ये वात पित्त का आयुर्वेद और जो प्राण शक्ति है उस बेसिस पे कहती हूँ। क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा टेंस होते हो, तो आपका जो शरीर का वात है, वात मतलब वायु और प्राण, ईथर, एयर एंड ईथर का कंपोनेंट है शरीर में, वात पित्त कफ होता है, तो जो वात है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी दो चीज है, एक कई बार ज्यादा सोचने से वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका लाइफस्टाइल इतना खराब बेकार है, आप बिल्कुल टाइम पे कुछ चीज, कोई भी चीज नहीं करो, ना टाइम पे सो रहे हो, ना टाइम पे उठ रहे हो, ना टाइम पे खा रहे हो, ना, उससे वात डिस्टर्ब हो जाता है। तो वात जब डिस्टर्ब होता है, वात का मतलब क्या है, एयर प्लस ईथर, वायु और प्राण शक्ति, है ना। वायु क्या एक जगह स्थिर रहती है, नहीं,
घूमती रहती है ना वायु, वायु कहाँ एक जगह बैठती है, तो ऐसे इंसान का शरीर भी हिलता रहेगा, वैसे ऐसे ऐसे रेस्टलेसनेस उनकी बॉडी में रहती है, एक जगह टिक के बैठ नहीं पाते हैं, और वो शरीर में मूवमेंट का इफेक्ट आता है और मन में भी मूवमेंट आती है, तो मतलब आपके बहुत सारे विचार बहुत सारे डायरेक्शन में आपने वो घोड़े घूम रहे होते हैं आप, क्योंकि आपका वात शरीर का डिस्टर्ब हो गया है, तो जब शरीर में वात डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे नींद भी खराब हो जाती है पूरी। तो ये जो इनसोम्निया है या जो नींद उड़ जाती है, ठीक है नींद ऐसे कोई आप ऐसी सिचुएशन में हो आपका माइंड ओवर एक्टिव चल रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज्यादा समय तक हो रहा है तो ये वात डिस्टर्ब होने के कारण हो रहा है और इससे और वात डिस्टर्ब होगी, और वात को वापस बैलेंस में लाना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मुझे जिसने कहा उसको वात में लाना सबसे मुश्किल है, पित्त को नॉर्मल करना या कफ को प्रॉपरली उसको प्रॉपर स्टेज में लाना इज स्टिल इजियर देन कंट्रोलिंग वात, और उससे फिर और बीमारियां हो जाती हैं मेंटल, वात जब डिस्टर्ब होता है तो माइंड में और बीमारियां होती है, तो आपको क्या है वात को नियंत्रण में रखना है, तो एवरीडे प्राणायाम से ये जो वायु है प्राण शक्ति है वो नॉर्मलाइज होती है, आपके बराबर सब चक्र बराबर चलने लगते हैं, उनको बराबर एनर्जी मिलती है और बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू हील, तो आपके जो प्राणमय कोश की भी नेचुरल टेंडेंसी है टू हील इटसेल्फ, तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो ये वात थोड़ी रेगुलेटेड होती है, प्राण शक्ति वायु है ये थोड़ी रेगुलेटेड हो जाती है बॉडी में, तो माइंड 10 जगह भागना बंद करता है, नींद भी अच्छी आती है और बाकी भी कई सारे चीजें हैं वात को आपको कंट्रोल में लाने के लिए। अब एक बार मैंने शो में कह दिया था कि घी लीजिए तो किसी ने घी का डब्बा ला लिया और उनके फिर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया था, देखिए अब मैं ये कह रही हूँ यू हैव टू टेक सम फैट इन सम फॉर्म है ना, तो उससे वात नॉर्मलाइज होता है, अभी आप ऐसा नहीं कि डब्बा खा रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से अपने शरीर के हिसाब से लीजिए, बट सम फैट इन योर बॉडी इज गुड, शरीर पे तेल से या मतलब ऐसे मालिश फैट है ना, तो वो क्या है उससे पूरी वात नॉर्मलाइज हो जाती है, सिर की मालिश तेल से उससे भी वात नॉर्मलाइज होती है, तो प्राणायाम है वात को नियंत्रण में लाना है जी और भगवान पे भरोसा करना है। बिल्कुल नमिता जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि अभी तक तो हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें की हैं, अब आते हैं हम थोड़ा स्पिरिचुअल बातों पे। तो अपने नेक्स्ट सवाल से पहले मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं वो लाइव चैट में डालना स्टार्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम आप सभी के क्वेश्चंस नमिता जी से लेना स्टार्ट करेंगे। प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने क्वेश्चंस को बार बार पोस्ट मत कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के क्वेश्चंस लेने का। तो नमिता जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी तक जितना हमने जाना, फिजिकल, टेक्निकल, इतना साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग हमने सब जानने की कोशिश की, स्पिरिचुअल बात पे आते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी ओवर थिंकिंग में हेल्प कर सकती है? क्या आध्यात्मिक जीवन में एंट्री करना या उन सब चीजों को जो आप जैसे हरे कृष्णा डिवोटीज प्रैक्टिस करते हैं, ये सब चीजों को प्रैक्टिस करना क्या ओवर थिंकिंग में हेल्प कर सकता है किसी की? फुल्ली कंप्लीटली प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में प्रभुपाद ने पर्पोट में इंग्लिश में ये लिखा है और हिंदी में भी होगा आप यथा रूप में पढ़ेंगे तो 2.66 में प्रभुपाद ने लिखा है कि डिस्टर्बेंस इज बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ अ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड वन व्हेन वन अंडरस्टैंड्स दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट वेल विशर बेनिफैक्टर कंट्रोलर देन वन कैन अटेन पीस, सो ही इज रिफरिंग टू 5.29 देयर, तो मतलब डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है माइंड में, क्योंकि एक प्रॉपर गोल नहीं है, और वो गोल क्या है कि हमें ये समझना कि कृष्ण कौन है, कृष्ण हमारे सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्मानां शान्तिमिच्छति है ना, तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ता है, ये सब अध्यात्म के जीवन की बात आध्यात्मिक बातों को अपने जीवन में इंटीग्रेट करता है तो उसे ये ज्ञात होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मतलब ये शरीर से जुड़ी हुई ये थॉट्स भी मैं नहीं हूं, विचार ये शरीर से जुड़े हुए जो लाभ है या जो नुकसान हो रहा है या जो इस शरीर से जुड़ा हुआ जो प्रेम मिल रहा है और वो नहीं मिल रहा है, मैं वो सब नहीं हूं
है ना, तो उसे ये ज्ञात होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान की सेवा में भक्तों के साथ लीन होना है ना जी। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन चल रहा है और मैं इसमें पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो भक्ति में जब आते हैं, अध्यात्म के जीवन में जब आते हैं, तब तब ये थोड़ा हृदय निर्मल होता है ना। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस राइट एंड द टाइम ऑफ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मतलब व्हेन ही टेक्स बर्थ अगेन ही डज नॉट कम बैक राइट ही कम्स टू माय अबोर्ड। मैंने सोचा अच्छा ठीक है भगवान को जान भगवान का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस समझ लिया लीला है तो इससे इससे मुझे ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड भागवत धाम कैसे जाओगे ये जान के। तो उसमें एक बात है कि आज जब ये समझते हो कि भगवान मतलब भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और वो कैसे आते हैं जाते हैं, भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान सच्चिदानंद है, मैं उनका अंश हूँ, मैं भी सच्चिदानंद हूँ, तो आपको ये ज्ञात होते होते फिर आप ये अटैचमेंट जो है ना, मैं शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए ये बहुत सारे कनेक्शन आप उनसे छूट जाते हो, है ना। ये उपाधियां जो है इन उपाधियों से आप छूटते हो धीरे धीरे, है ना। सर्वोपाधि चैतन्य चरितामृत में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये जो सारी उपाधियां है, नमिता पुरोहित हूँ मैं, ये इंजीनियर हूँ मैं, ऐसी हूँ, लाइफ कोच हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, इनकी बेटी इस परिवार में जन्म दिया है, ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजों से हम मुक्त होने लगते हैं और हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हमारा हृदय में जो मैल है वो निर्मल होने लगता है और हम फिर आगे भगवान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो टेंशन है ये सारे खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना सॉरी जस्ट वन मिनट, भगवान कहते हैं ना मा शुच मतलब डू नॉट फियर आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंपल रिएक्शंस डू नॉट फियर। तो फियर के कारण ओवर थिंकिंग हो रही है, भगवान के पास जाएंगे भगवान आपको हेल्प करेंगे। आई जस्ट स्विच टू दिस यस यस। तो दर्शकों अब हम लेना शुरू करते हैं आप सभी के प्रश्न जो कि आ रहे हैं नमिता जी सिर्फ आपके लिए। तो पहला प्रश्न हम लेंगे जो कि आ रहा है जी, पहला प्रश्न आ रहा है गीता जी की तरफ से। ये कहते हैं हाउ कैन आई हेल्प समवन हु इज इन एंजाइटी ड्यू टू ओवरथिंकिंग स्पेशली इन दिस कोरोना पीरियड एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। तो नमिता जी गीता जी आपसे ये पूछना चाहती हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज है जो कि आजकल सबकी लाइफ में हो रही है वो है कोरोना की वजह से लाइफ में आने वाली अनसर्टिनिटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जितना भी सबके फाइनेंसेस खत्म हो रहे हैं और लॉकडाउन तो बार बार आ जा रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम सबके लाइफ में कोरोना के कारण आई है, तो नेचुरली ऐसे सिचुएशन में डर आना, जैसा कि आपने डर की बात की थी, डर आना, डर के कारण ओवर थिंकिंग होना, एंग्जाइटी होना बहुत नेचुरल है। तो गीता जी उनकी कैसे मदद कर सकती हैं, उनको कुछ ब्रीफली बताइए प्लीज। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रश्न है और ये सारे दर्शकों के लिए ये प्रश्न है, मेरे लिए भी ये प्रश्न है, हम सबके मन में ये चलते रहता है कि कैसे होगा क्या होगा। और ये ऐसे में एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है कि हमको एंग्जाइटी होगी। तो ये एक पहले फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये समझना है कि ये जो भगवान ने हमें प्रॉमिस दिया है कि ये जो संसार है ये अशाश्वत है, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ असत है, तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, कुछ भी इटर्नल नहीं है। तो दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम, तो कुछ भी नित्य नहीं है। तो अगर हम ये वी वॉन्ट स्टेबिलिटी इन लाइफ, हमको लगता है भाई एक स्टेबल जीवन जिए हम, देखिए ये संसार का जो मतलब जो भगवान ने जैसे बनाया है ये ऐसा बनाया कि इसमें स्टेबिलिटी कभी भी फील हो नहीं सकती, इसका ये बाय डिजाइन है, ये फीचर है, ये सॉफ्टवेयर का फीचर है, ये बग नहीं है, इट इज अ फीचर। ये जैसे ऐसा नहीं कि कपड़ा आपने खरीदा है वो फटा हुआ कपड़ा मिला, नहीं, वो आजकल जींस मिलती है ना फटी हुई,
वो डिजाइन है वो जीन्स का, वो ऐसा नहीं कि इफेक्टिव पीस है। तो सॉफ्टवेयर भी जब हम खरीदते हैं ये फीचर है कि ये अशाश्वत है। अब ये जो कोरोना काल में हम ये जो सहन कर रहे हैं, ये इनस्टेबिलिटी है, ये क्या हो रहा है, जो पहले लोगों के जीवन में किसी को इनस्टेबिलिटी हो रही तो किसी को स्टेबिलिटी हो रही है, तो एक आशा बनी रहती थी अच्छा इसके लाइफ में चेंज आए तो मेरी लाइफ में भी आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ऐसे सब जगह इंस्टेबिलिटी, कभी लॉकडाउन हो रहा है, वैक्सीन आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्लाइट चल रही है नहीं चल रही है, ट्रेन चल रहा है नहीं चल रहा है, आज घर में काम वाले आ रहे हैं फिर कल से नहीं आ रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, आज मेरे पास आमदनी है कल नहीं है। तो ये चेंज इज अ कॉन्स्टेंट, ये होने ही वाला है। और ये कोरोना काल में एक तो पहले ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है और ये डिफिकल्ट है। इसमें मुझे एकदम सम रहना चाहिए और मुझे एकदम मतलब स्थित प्रज्ञ रह के एकदम भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम लीवे कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो ठीक है, ये सिचुएशन मेरे सामने है, ये मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं मेरा ध्यान रखते हुए इस एंग्जाइटी के साथ, इस सिचुएशन के साथ डील करूंगी। तो वो अपनी एंग्जाइटी में फिर अपना ध्यान देना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रोज का कुछ रूटीन बनाइए वेर यू रिलैक्स एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए आप है। अगर आप ठीक नहीं होंगे आप उस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर सकते। तो अपना ध्यान पहले देना है सबको। कोरोना का मास्क तो हम पहनते हैं लेकिन एक मेंटल कवच भी पहनना है कि अच्छा ये सिचुएशन हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मुझे रोज रिलैक्स करना है, रोज रोज अपने आप को काम करना है। तो वंस यू डन दैट, अभी जिसके बिजनेस चले गए हैं या जिसके जॉब्स ऑब्सोलीट हो गए हैं या किसी की नौकरी छूट गई है, देखिए हम वेट नहीं कर सकते कि सिचुएशन चेंज होगी और फिर मुझे नौकरी अपने आप आ जाएगी या कुछ आ जाएगा। हाथ पांव मारने हैं सबको। अभी कईयों के पूरे पूरे बिजनेस उड़ गए हैं तो उसमें बहुत दुख की बात है क्योंकि एक स्टेबल चल रहा होता है, आमदनी आ रही होती है, लेकिन आपको अभी क्या करें, आपको अपने आप को पीठ थपथपा के फिर से खड़ा होके आपको ये देखना पड़ेगा ठीक है अब मुझे क्या करना है। एंग्जाइटी में रहने से क्या होगा, मैं इस आप या एंग्जाइटी में जब हम रहते हैं ना हम हेल्पलेस फील करते हैं कि जैसे बात मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हम टेक चार्ज ऑफ आवर सिचुएशन, ठीक है ये कोरोना मेरे हाथ में नहीं है, जो बिजनेस मेरा ठप हो गया है मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, ऐसी जो पूरी बाउंड्रीज बन गई है इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ सो दैट आई कैन हैव अ रेगुलर इनकम इन माई हाउस। और जब हम पहले अपना ध्यान देके व्हेन वी आर काम देन वी कैन थिंक क्लियरली। सोच तो हम पहले भी रहे हैं बट हम पूरे फियर में और डर में और वैसे वाले विचार आ रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता है। पहले अपने आप को शांत कीजिए और ये सोचिए अच्छा दिस ये प्रॉब्लम अब मेरे सामने है, मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है और मुझे ही सॉल्व करना है, कोई नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए मेरी प्रॉब्लम। ठीक है लोग साथ देंगे, गजेंद्र का पांव अटका था मगरमच्छ के मुंह में, वो उसके वाइफ और बच्चे और सब वेलविशर देख ही रहे थे ना, बेचारे कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा भी ये कोरोना के यू नो अटक गए हम तो अभी उससे निकलना हमको ही है। तो अपनी हिम्मत बनाकर रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि यस आई कैन डील विद दिस। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान को अपना साथी बनाइए, प्रार्थना कीजिए और आगे गतिशील रहना है, कार्य करना है। इसे अंग्रेजी में पिविट भी कहते हैं, PIVOT, राइट। अभी ये जैसे आज टॉप मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, अच्छा मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, तो दिस इज कॉल्ड पिवटिंग एंड वी ऑल हैव टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीता जी जैसा कि नमिता जी ने बताया अभी ये जो सिचुएशन है कोरोना की, इससे हम सबको मिलके डील करना ही है। सो देयर हैज टू बी अ शिफ्ट, आपको डेफिनेटली अपना शिफ्ट करना है ओवर थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। यदि ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी अपने आप को हमें आगे सस्टेन करना ही है, अपनी फैमिलीज को अपनी लाइफ को डेफिनेटली सस्टेन करना ही है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, नमिता जी जो कि आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है गीता कुमारी जी की तरफ से। ये कहते हैं मेरे पति ने मुझे एक मंथ पहले डिवोर्स नोटिस भेजा है, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत है, मैं क्या करूँ।
तो गीता जी आपसे पूछना चाह रही हैं कि इनके हस्बैंड ने क्योंकि इन्हें डिवोर्स नोटिस भेजा है तो इनका मेंटल सिचुएशन थोड़ा अभी अनस्टेबल है, तो डिप्रेशन वाली फीलिंग और ओवर थिंकिंग होना बहुत नेचुरल है, तो गीता जी को क्या करना चाहिए? गीता जी, हमारी पूरी सांत्वना सहानुभूति सब आपके साथ में है। ये बहुत बहुत कठिन समय है, जीवन की बहुत धूप आई है आपके ऊपर, और ये हम हमारी पूरी प्रार्थनाएं हमारी आपके साथ में है। ये काफी डिफिकल्ट है ऐसे कोई विवाह विच्छेद होना, डिवोर्स के ऐसे नोटिस आ जाना जिसमें आप नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं वगैरह। तो इसमें जो भी आपके फीलिंग्स हैं, जो भी डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स है, ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। तो आप इन्हें होने दीजिए, कोई भी भावना को दबाइए मत। जो भी भावना आ रही है वो आएगी, क्योंकि क्योंकि आपको अंदर से बहुत दर्द हो रहा है, तो ये आएंगी और आप इनके साथ आने दीजिए। जो भी फीलिंग ऊपर आती है उसे आने दीजिए, उसे पूरी तरह फील कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि जैसे आपने लिखा है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया मेरे विवाह में, फिर भी मेरे पति ने मेरे गुण नहीं देखे, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया लेकिन उन्होंने कभी ये समझा नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। ऐसे बहुत सारे आपको विचार आएंगे, ये विचारों को आने दीजिए। इनको आप दबा नहीं सकते, इनको आप भुला नहीं सकते, और समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए। अभी एक ही महीना हुआ है नोटिस के लिए, थोड़ा समय दीजिए। और पहले आप अभी ये डिवोर्स पे, पेपर्स पे, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पे फोकस आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फोकस आप अपने आप को हील करने में कीजिए, अपने मन को शांत करने में, अपनी फीलिंग्स को हील करने में, अपने आप को सहानुभूति देने में, अपने ध्यान रखने में ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन से, ये परिस्थिति से आपको ही जूझना है गीता जी, और आपकी लाइफ के बेस्ट एक्सपर्ट आप हैं, आपको ही पता है कि बेस्ट वे में इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो इसलिए पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, और ऐसी परिस्थिति में कई सारे कार्य आप नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले कर पाते थे, कहीं कॉन्फिडेंस भी कम होगा, कहीं आप कुछ कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल चीजें आप नहीं कर पा रहे, तो आपको ये लगेगा अरे मुझे हो क्या रहा है, बट ये सब सब स्वाभाविक है, और होने दीजिए और अपना ध्यान रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ भी ओवर रिएक्ट मत कीजिए, कुछ भी ऐसा रिएक्शन मत दीजिए जिससे बात और बिगड़ जाए, और ये सोचिए कि इस बात को संभाला कैसे जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको शांत होना होगा और आपको पहले अपनी फीलिंग्स का ध्यान देना होगा, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर करेंगे गीता जी। तो नमिता जी, अगला प्रश्न आ रहा है, ये कहती है कि आई हैव विटिलिगो ड्यू टू व्हिच आई ऑलवेज ओवरथिंक अबाउट व्हाट पीपल विल से एंड व्हाट विल हैपन विद माय लाइफ। तो ये एक अनोनिमस क्वेश्चन है नमिता जी, आपसे ये पूछना चाह रही हैं क्योंकि इनको विटिलिगो है। विटिलिगो एक बीमारी है जिसमें स्किन का मेलानिन, आई गेस यही बोलते हैं ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी वजह से कम्प्लेक्शन चेंज होता है। तो ये कहना चाह रही हैं कि इनको विटिलिगो है जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे और इनका आगे फ्यूचर में लाइफ में क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम सोचना ये बहुत नॉर्मल है नमिता जी, इनको क्या करना चाहिए? यस, ये भी इसमें भी ऐसे विचार आना बहुत स्वाभाविक है, जैसे ऋचा जी ने कहा है बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा होगा आपको। और ये विटिलिगो मतलब जो सफेदी की जो स्किन सफेद हो जाती है पैचेस में, तो ऑड लगता है क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो सब लोग आपको देखते हैं, पैचेस को देखते रहते हैं, और हमको फिर मन में बहुत सारे वी फील ऑकवर्ड, अरे मुझे अलग नहीं होना है लोगों के साथ में, मुझे चाहिए कि मैं भी सबके जैसी ही रहूं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल क्या है, जो सबका है वो नॉर्मल है, तो इसलिए मेरा विटिलिगो अब नॉर्मल है, बीमारी है ना, तो हम ऐसे सोच लेते हैं। तो हाँ, ये फीलिंग्स डिफिकल्ट हैं। मैं इसमें दो बातें आपको कहना चाहूंगी, शायद आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है कि मेरा जो अनुभव है और जो मैं मेरे सब क्लाइंट्स के साथ में भी देखती हूँ, शेयर करती हूँ कि दुनिया के जो लोग हैं वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, आई विल रिपीट,
दुनिया में जो लोग हैं वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, है ना। तो अगर आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, और धीरे धीरे समय लगता है, समय दीजिए अपने आप को, बट एक्सेप्ट करने के पाथ पे आगे बढ़िए। यस आई हैव विटिलिगो, हाँ मुझे ये विटिलिगो है एंड आई एम ओके विद इट, हाँ मुझे ये विटिलिगो है और मैं इस बात से पूरी ओके हो गई हूँ, मैंने अपने इस डिजीज को एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे ये डिजीज है एंड आई एम ओके विद इट। तो जैसे आप ऐसे रहेंगे ना, आप वैसे आपका वाइब्रेशन बॉडी का चेंज होगा, आपका स्टैंड चेंज होगा, आप और कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ डील करेंगे, खुद अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे, और जो वाइब्रेशन आप बाहर फेंकेंगे ना, लोग वो वाइब्रेशन कैच करते हैं और आपके साथ उसी तरह का बिहेवियर करते हैं। तो व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ, अदर पीपल आल्सो एक्सेप्ट, व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट देन अदर पीपल डोंट एक्सेप्ट। तो ये आपको समझना है। दूसरा विटिलिगो का मुझे एग्जैक्ट कारण याद नहीं है, लेकिन इसके ना कई बार विचारों के कारण भी बीमारियां होती हैं शरीर में। अब ये हेरिडिटरी भी बोलते हैं, जेनेटिक भी बोलते हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन कई बार बीमारियां हमारे विचारों के कारण भी होती हैं। तो इसमें आप, ये एक किताब है, अंग्रेजी में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, अमेजोन से आप ले सकते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन उसके फ्री मतलब उसके वेबसाइट्स पे भी उसका पूरा चार्ट है। तो वो लुईस हे करके ऑथर है, और उन्होंने अपनी कई बीमारियों को ठीक किया है अपने विचारों को बदल के, कैंसर को ठीक किया है जस्ट विचार बदल के, और कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं अपने विचारों को बदल के उन्होंने। तो उन्होंने पूरा कनेक्शन बनाया है कि कौन से विचारों के कारण कैसी बीमारी होती है। तो उसमें जहां तक मुझे याद है विटिलिगो का भी वर्णन है। तो आप ये ऑनलाइन ढूंढिए, लुईस हे, यू कैन हील योर लाइफ, शायद ऐसा कुछ टाइटल है उसका, और उसका पूरा एक चार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, पूरी मैपिंग है डिजीज और विचारों की। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो जिनका भी ये प्रश्न था, नमिता जी ने बहुत ब्यूटीफुली आपको ये उत्तर दिया है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, आपको खुद का रिस्पेक्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। जितना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, उतना बाहर के लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है प्रशांत कुमार जी की तरफ से। ये कहते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ओवरथिंकिंग इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट, वात, पित्त और कफ। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। तो प्रशांत जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये पूछना चाहते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि ओवरथिंकिंग, जो मेरी अभी ओवरथिंकिंग हो रही है, ये कौन से एलिमेंट की वजह से हो रही है? क्या ये वात की वजह से है, क्या ये पित्त की वजह से है, या क्या ये कफ की वजह से है? तो ये कैसे समझ सकते हैं, और क्या ये, मेरा ये प्रश्न इसमें ऐड होगा, क्या ये जानना इम्पोर्टेंट है? प्रशांत जी, ये जो वात से ज्यादातर जो मानसिक रोग होते हैं और जो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होते हैं, वो वात के इम्बेलेंस से होते हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस इन माई टॉक। सो प्रशांत जी, दिस इज व्हाट इट इज, और ये हम डॉक्टर है नहीं, हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं गूगल पे जाके और ये सब करके ना। तो ये आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में आप कंसल्टेशन कीजिए कि अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो उसको आपको बैलेंस में कैसे लाना है। लेकिन हाँ, प्राणायाम एक रामबाण है, प्राणायाम कीजिए, वायु सेटल होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है डोंट वरी बी हैप्पी की तरफ से। इनकी तो नाम में ही सब सॉल्यूशन आ गया है। ये कहते हैं, आई एम ऑलवेज वरीड थिंकिंग ऑफ लूजिंग अ डियर वन, दिस इज रियली मेकिंग मी रेस्टलेस समटाइम्स, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। ये कहना चाहते हैं कि इनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई इनका जो डियर वन है, जो इनके सगे संबंधी है, शायद कौन से छूट जाएंगे। तो ये विचार इनको बहुत रेस्टलेस बना देता है, तो इनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन? ये विचार आपको ही नहीं, बहुतों को ऐसा रेस्टलेस बना देता है। तो क्योंकि सबको ये मन में डर रहता है, तो इस डर से कैसे निकल नहीं सकते हैं, इससे जूझे कैसे, ये आप कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ में समय बिताइए, है ना।
आपके जीवन का फोकस क्या है? कईयों का जीवन का फोकस होता है मुझे करियर में आगे बढ़ना है, तो वो रिश्ते कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कईयों का फोकस होता है मुझे सिर्फ रिश्तों में जाना है, करियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आमदनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमें लाइफ में एक बैलेंस रखना है, काम जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन रिश्तों के फाउंडेशन को, रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना है। तो जो आप कर सकते हैं इस जीवन में, उनके साथ समय बिताना, उनकी सेवा करना, उनके साथ प्रेम के रस को एक्सचेंज करना, वो अभी कीजिए। आगे का सोच के क्यों डर रहे हैं? अभी आप उसको काउंटर करने के लिए स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल एंड क्रिएट वेरी नाइस मेमोरी, हैव हैप्पी मोमेंट्स विद एवरीवन। बिल्कुल, तो डोंट वरी बी हैप्पी जी, जो भी आपका नाम है, आई एम सो सॉरी मैं ऐसे आपको बुला रही हूँ, बट डेफिनेटली ये थॉट आना बहुत नेचुरल है और शायद सबको आता है। तो इस थॉट से डरने के बजाय उनके साथ, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको खोने का आपको डर है, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है मानसी शिवखंड जी की तरफ से। कहते हैं, आई ओवर थिंक रिलेटेड टू माई रिलेशंस because I don't want to hurt my family and please suggest me, and secondly you said we should give time instead of talking about the issue, but doesn't it get collected up? Sorry, I understand. Okay, आप समझ गए हैं, तो आप समझाइए नमिता जी। मानसी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि relations की वजह से ये सोचते हैं कि किसी को hurt ना करें, तो दूसरा प्रश्न आप समझ गए हैं, तो आप बताइए नमिता जी इसका क्या solution है। ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि समय दीजिए, क्लैरिफाई मत कीजिए, क्योंकि कोई बात क्लियर नहीं होती है, तो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा करेंगे तो फिर बात अंदर ही अंदर बहुत बढ़ नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर फिर ऐसा उनका कहना है। तो इनके दो प्रश्न है, एक तो है कि आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई फैमिली। देखिये, जब हम चूड़ियां पहनते ना कांच की, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि चूड़ियां हमेशा मतलब अच्छे से रहे, लेकिन हम हाथ हिलाते हैं, कहीं हाथ लग जाता है, या वो चूड़ियां आपस में ही हो के वो बढ़ जाती हैं, है ना। या जैसे वो कहते हैं फॉरेस्ट फायर जो होता है ना, जो आग लगती है फॉरेस्ट में, वो क्या होता है? ऐसे कोई जाके आग थोड़ी लगाता है, वो क्या है कि कुछ हीट बढ़ गई है, दो ब्रांचेस रब हो गई, फ्रिक्शन हो गया और आग लग गई। तो ये हम संसार में आए हैं और हम अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के साथ में रहेंगे, तो कोई ना कोई तो हर्ट होगा ही, कभी आप हर्ट होंगे, कभी वो हर्ट होगा। और जब तक आप उनकी प्रवृत्ति समझते हैं, तब तक वो और बदल जाते हैं, क्योंकि लोग सब परिवर्तन होते रहता है सब में। आपको लगा अभी तो मैंने समझा था इनको, अब ये क्या हो गया, फिर क्या हो गया, तो लोग सब परिवर्तन होते रहता है, आप में भी परिवर्तन होते रहता है। तो ये डर रखना कि अच्छा मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे लोग हर्ट हो जाएंगे, ठीक है ध्यान रखिए, लेकिन अगर वो हर्ट हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको सॉरी बोलिए और आगे वैसा काम मत कीजिए। हर्ट होंगे सब, आप कई बार आप पूरे अच्छे इंटेंशन से भी करोगे, कोई ना कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करके भी हर्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने बहुत देखा है ना। तो इतना लोड मत लीजिए आप, बॉम्बे की भाषा में लोड नहीं लेने का है ना। आपको ये समझना है कि हर्ट, मेरी कोशिश है, मेरी इंटेंशन है कि मुझे हर्ट नहीं करना है। कोई हर्ट हो गए तो मैं विनम्रता से मैं समझूंगी कि ये क्यों हर्ट है और आगे ध्यान रखूंगी। सीखते जाएंगे, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, तो हम हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस है, हम सीखते जाएंगे। अब दूसरा जो मैंने कहा कि समय देना चाहिए, कलेक्टेड नहीं, कलेक्टेड अप हो जाता है। आपकी बात क्लियर करने की स्किल लेवल क्या है? है ना, जब झगड़ा हो गया या कोई मनमुटाव हो गया, आप वो जो बात वार्तालाप करना है दूसरी पार्टी के साथ में, रिलेशन के साथ में, जिसके साथ में मनमुटाव हो गया है, आप अगर वापस तू तू मैं में होने वाली है फिर और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपने इमोशंस, पहले मैंने क्यों कहा समय देना चाहिए, क्योंकि पहले आप अपने इमोशंस शांत कीजिए। इमोशनली हीटेड अप होके आर्ग्यूमेंट करेंगे फिर और वो और मनमुटाव बढ़ने वाला है और मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। और अगर आप बात, आपकी स्किल लेवल हाई है कि अच्छा मैंने अपने आप को शांत कर लिया और मैं बात विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, मैं बस ये बोलूंगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगले वाले की स्किल लेवल क्या है वो बात समझने की। देखिए बिल्कुल
आप बड़े अच्छे से बोल रहे हो, अगला आप पे हावी हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं मैं तो अच्छा रिलेशन बना रही हूँ, ये हावी क्यों हो रहे हैं? और फिर वो जब आप पे वापस हावी होंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करने की आपकी स्किल लेवल क्या है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, ये सब सोच के अगर आपको लगता है आप कर सकते तो प्लीज डू इट. इफ यू थिंक यू हैव द स्किल एंड द विल, डू इट. सबका देखिए, आई एम गिविंग जनरल प्रिंसिपल्स बोलती हूँ ये शो पे. अभी कैसे आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कीजिए, आप ट्राई कीजिए और देखिए कैसा आपको क्या अनुभव होता है. बट माय अंडरस्टैंडिंग इज जब कुछ ऐसा कुछ हो जाता है ना तो थोड़ा शांत हो जाते हैं ना, अगला भी शांत हो जाता है, आप भी शांत हो गए ना, फिर वापस बातचीत कीजिए. बिल्कुल. और कैपेसिटी देखिए एक दूसरे की बात क्लियर करने की. कई लोगों को कुछ क्लियर नहीं होता है, मैंने देखा है आप क्लियर करने जाते हो और आपको गलत समझ के और आप पे आग बबूले होते हैं. छोड़ो, आगे बढ़ो. सच बात, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सच बात है. तो नमिता जी, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है. वेट अ मिनट. हमारा अगला प्रश्न आ रहा है आशा पंजाबी जी की तरफ से. ये कहती हैं, वी हैव बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस, सो बेस्ड ऑन दैट वी एक्सपेक्ट सिमिलर थिंग्स मे हैपन इन फ्यूचर टू. So when a certain situation comes, we start overthinking and fearing. So how to come across? तो आशा जी आपसे ये पूछना चाहती हैं नमिता जी कि पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये चीजें दोबारा हमारी लाइफ में ना हो जाए. और ये सोचना बहुत नेचुरल है, ये डर आना बहुत नॉर्मल सी बात है. तो जब ये सब सिचुएशन से कोई निकल चुका होता है तो ये ओवर थिंकिंग हो रही है, ये डर लग रहा है, तो इन सब सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? प्लीज हेल्प आशा. आशा जी, ये जब हमारे पिछले एक्सपीरियंस डिफिकल्ट वाले होते हैं और हमने वो जो सारे हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं उनको हील नहीं किया है, मैं नहीं कह रही हूँ जाके जस्टिस रिवेंज और ये सब नहीं, आपके अंदर जो भी कौतूहल हुआ, जो भी भावनात्मक आघात हुए, उनको आपने अगर मरहम नहीं लगाया ना तो फिर वो डर हमेशा रहता है. क्योंकि वो मेमोरी रहती है कि अरे वो आघात बहुत मुश्किल है, मुझे वापस उन आघातों में नहीं, मतलब मुझे नहीं झेलना है उनको वापस. तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उन्हें हमें प्रॉपर उनकी मरहम पट्टी करनी है. और मैं बहुत चीजें रिपीट करती हूँ हर शो में, बट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं. जैसे कोई आप एक्सीडेंट में होते हैं, फिजिकल एक्सीडेंट में, तो आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत भाई बहुत चोट लग गई, हॉस्पिटल गए, मतलब बहुत यू नो फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक दो महीने लगे आपको ठीक होने में. लेकिन उस टाइम पे आपका पूरा फोकस क्या है कि मैं ठीक हो जाऊँ, है ना, मेरा शरीर ठीक हो जाए, ठीक से चलने लगे, जो भी करना है भाई शरीर पहले. तो हम ध्यान देते, शरीर को हम समझते हैं. लेकिन जब ऐसे इमोशनल एक्सीडेंट होते हैं ना, भावनात्मक आघात होते हैं, भावनात्मक दुर्घटनाएं होती हैं, तब हम अपना उतना ध्यान नहीं रखते. देखिए सारे इमोशंस ऊपर आए हैं, फीलिंग ऑफ हर्ट आई है, फीलिंग ऑफ एंगर आई है, बीइंग यू नो डर आया है, आप बहुत यू नो स्केर्ड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें बात मन में घर कर गई उस टाइम पे, एक इंप्रेशन बन गया, एक संस्कार बन गया आपके प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में. तो उसे पहले आपको हील करना है, समझना है कि हाँ जो मेरे साथ हुआ बहुत मुश्किल था मेरे लिए. यूजली क्या, हाँ ये बहुत हुआ, वो डर लग रहा है, मुझे वापस ऐसा नहीं होना चाहिए. हम ऐसे भावना में रहते हैं, ऐसे सोचते हैं. हमको ये सोचना है कि हाँ ये जो हुआ ना ये बहुत मुश्किल था, बहुत पीड़ा हुई थी मुझे, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे वो हर जो इमोशन है उसको अच्छे से शांत करना है, मुझे मेरा ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है. तो जब हम उन जो भावनात्मक आघात है, जो इमोशनल ट्रॉमा, जो अंदर अंदर इंप्रेशंस हो गए, उसको हील करते हैं, और प्रॉपर योग और प्राणायाम है, और भगवान का नाम लेने से भी इमोशनली भी आपको हील करना है, योगा प्राणायाम भी करना है, क्योंकि शरीर में भी इसके कारण काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं और डिजीजेस बनने लगती हैं, और स्पिरिचुअली भी इसको हील करना है. तो स्पिरिचुअली प्रॉपर मीनिंग देखे कि अच्छा ये ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बट भगवान की ये इच्छा थी, वो ये तीनों लेवल पे हील करते हुए आगे बढ़ना है. तब हम नए, तब जब हम वी बिकम हेल्दी हील्ड एंड होल, जब हम पूरे हील हो जाते हैं, तब हम वापस वैसी सिचुएशन को डील करने के लिए सक्षम हो जाते हैं. लेकिन अगर वो हीलिंग आपने नहीं की है तो आप हमेशा डर में ऑपरेट करते रहेंगे. बिल्कुल,
सच कह रहे हैं। तो फर्स्ट हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। यदि हम पहले ही कर जाएंगे तभी हम आगे लाइफ में आने वाले किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस से बहुत इजीली तो नहीं कहूंगी बट हाँ कॉन्फिडेंटली उसके साथ हम निकल पाएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आ रहा है। माफ कीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। हितेश शर्मा जी की तरफ से, ये कहते हैं 8 years work experience, 27 job changed, still got new job but distracting again, help me। तो ये शायद इनका ओवरथिंकिंग का इशू है या जो भी है। हितेश जी आपसे पूछना चाहते हैं कि 8 साल से ये काम कर रहे हैं और इतनी जॉब चेंज कर चुके हैं, इतना डिस्ट्रैक्शन इनको रहता है हर तरह की जॉब में, तो इनको क्या करना चाहिए नविता जी? ये हम कई एंगल से ओवरथिंकिंग के पॉइंट को, डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट को डील कर बात कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा आयुर्वेद से आप हीलिंग लीजिए, प्राणायाम कीजिए वगैरह, तो ये सब आप चीजें फॉलो कीजिए हितेश जी। बट आपका प्रश्न देख के मुझे एक जो बात आ रही है मन में, मैं वो शेयर करना चाहूंगी। ये कई बार जो हमारा जो मेंटल टाइप होता है, जो मानसिकता रहती है हमारी और जो सोचने समझने की शक्ति रहती है, वो कर्मों के कारण भी होती है जी, है ना। तो हमारे ये जैसे जो माइंड जो है वो मून से कनेक्टेड है, चंद्रमा से, है ना। तो जैसे हम देखते हैं ना कि लूनर साइकिल बोलते हैं हम मून की साइकिल को, और जो जिनका माइंड थोड़ा बराबर नहीं रहता है उनको हम क्या कहते हैं, लुनैटिक, राइट, वी कॉल देम लुनैटिक बिकॉज इट्स अंडरस्टूड मून से पूरा माइंड पे इफेक्ट है। और ऐसे मतलब जो लोग होते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, कम होता है, उनके मन पे पूरा असर समझा जाता है, यू नो, वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या काम डाउन हो जाते हैं वगैरह। तो ये इनका नाम हितेश जी था ना जी। तो आप ये पहले तो आप ना ये एक तो रेगुलर वे में आप अपना प्राणायाम कीजिए और ये आयुर्वेद का सहारा लीजिए और समझिए कि आपको क्या ऐसा होता है मन में जिसके कारण आपको जॉब चेंज करने की वो होती है अंदर से, मतलब आप उत्तेजित होते हो और फिर आप जॉब इम्पेटस है ना, क्या होता है वो मन में, क्या फीलिंग आती है, या आपको कोई बॉस के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता है, या आपको काम करना ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है ना, किसी को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो मन में क्या फीलिंग होती है जिसके कारण आप ऐसे जॉब चेंज हो जाता है आपका ऐसा। बट मानना पड़ेगा आपको 8 साल में 27 जॉब, मतलब जॉब मिले भी हैं आपको कितने सारे, इट्स अ बिग थिंग, इतने इंटरव्यूज दिए हैं आपने, किया है, जॉब मिले, मतलब कैपेसिटी है आपकी अच्छी टू डील विद थिंग्स। बट वो जॉब जब चेंज हो जाता है, जो भी हो रहा था, वो मन में क्या फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स को आपको डील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो कौन से विचार आते हैं। और दूसरा, आपको अपनी अपना ज्योतिष शास्त्र का भी आपको थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको अपने, देखिए ज्योतिष शास्त्र से जब आप अपना चार्ट देखते हैं, आप अपनी कुंडली देखते हैं, तब उससे आपको अपने कर्मों के दर्शन होते हैं, है ना। तो कर्मों के दर्शन होते हैं। अब मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे अगर किसी ने पिछले जन्मों में उनके जो सबॉर्डिनेट थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो लेबर थे, वर्कर थे, या जो उनको रिपोर्ट करते थे, उनको बराबर पगार नहीं दी, उनका ध्यान नहीं दिया बराबर, या किसी ने लोहे की चोरी करी वगैरह, तो उनका शनि थोड़ा वीक होता है अगले जन्म में, क्योंकि शनि इज इन चार्ज ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर आपने इन चीजों को रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो इस जन्म में आपका शनि वीक रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है शनि कुपित है, प्लैनेट्स आर द विटनेस ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड दे आर इन चार्ज ऑफ, वो उस फंक्शन के इंचार्ज है। तो अगर आपने उसका मतलब आपने रिस्पेक्ट नहीं किया है बराबर जिन चीजों के वो इंचार्ज हैं, तो अगले जन्म में बोला जाए कि तो डिसरिस्पेक्ट करते चलो, ये मत दो इनको। तो जो मून है दैट इज रिलेटेड टू द माइंड एंड द मदर अमंग मेनी थिंग्स, बट मून इज माइंड से बहुत कनेक्शन है उसका। तो आप ये सब भी समझिए और उसके ऊपर जो उपाय, अब उपाय का मतलब क्या होता है, उपाय का मतलब एक पश्चाताप जैसा होता है कि अच्छा जो मैंने पिछले जन्मों में गलत काम किए थे टू दीज पर्टिकुलर प्लैनेट्स और इनके जो फंक्शंस थे, उसका मैं अब ये पश्चाताप करके मैं उनको ठीक करती हूँ, और वो ऐसे मन से करना है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ,
तो प्लीज ये बाकी सारे जो पॉइंट्स आज शो में डिस्कस हुए हैं वो भी देखिए, आपको जो स्पेसिफिकली दो तीन पॉइंट्स बोले वो भी देखिए, और अपना हॉरोस्कोप भी देख के समझिए, और उसके जो उपाय है आप वो भी कीजिए। बिल्कुल, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है शिवानी अग्रवाल जी की तरफ से। ये कहते हैं, बच्चे जब गलत राह पर जा रहे होते हैं उससे ओवर थिंकिंग होता है, ये कैसे कम करें? तो शिवानी जी, एज अ मदर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है नमिता जी, कि देखते हैं कि बच्चे जब भटक रहे हैं अपनी राह से, तो उनको कैसे रोक भी नहीं सकते हैं, कभी कभी इतना आगे जा चुके होते हैं, तो माँ बाप तो परेशान होते ही, नॉर्मल सी बात है, तो ये शिवानी जी को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? पहले तो ये मतलब अभी ये एज रिलेटेड भी रहता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आपको आपको पहले तो नेचर समझ के उनको कैसे वो हर बच्चे को इंस्पायर करना एक कला है, क्योंकि सबका सबका नेचर सबकी प्रकृति अलग है, तो कैसी प्रकृति को कैसे इंस्पायर करना है, कैसे उसको सही रास्ते पे लाना है वो समझना है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपके संरक्षण में रहते हैं, तो आपकी बात मानना उनका धर्म रहता है, क्योंकि वो आपके संरक्षण में है, आपकी शरण में है। अब जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक फ्रेंड के जैसे रखना पड़ता है, मतलब डिसिप्लिन तो रहता ही है, आपका जो माँ है आप वो तो रहेगा ही, लेकिन ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो जब आप गलत राह पे देख रहे होते हैं, एक तो ये है कि ये भी हो सकता है कि आपको वो गलत राह लग रही है, शायद वो गलत राह नहीं, एक 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 ऐसी बात हो सकती है। और अगर वाकई में ये गलत राह पे हैं, तो ये उनको ठीक आप केवल प्रेम से ही कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब उनसे उन्हें आपसे प्रेम की अनुभूति होगी, उन्हें लगेगा कि ये एक प्रेम भरा रिश्ता है, और चाहे आपको मन में कितना भी कुछ भी हो रहा हो, आप उनसे सिर्फ प्रेम से ही आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब हमें कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन जो भी हम बात उनसे पहुंचाना चाहते हैं, तो वो जो सेलफोन का जो सिग्नल है, वो बात पहुंचाने का जो सिग्नल है एक रिश्ते में, वो प्रेम है। वो प्रेम का सिग्नल नहीं रहेगा, बार पांच नहीं रहेंगे तो बात पहुंचती नहीं है। तो वो प्रेम बनाए रखना, और बच्चों को ये मतलब चाहे बच्चे हो या कोई भी रिलेशन हो, कि अच्छा ये मुझसे अग्री नहीं कर रही है, लेकिन ये इन्होंने मुझे प्रेम करना नहीं छोड़ा है। क्या होता है जब मन मुटाव होता है या भेद होता है ना आपस में विचारों में, तो प्रेम पहले कटता है, हम हेट करते हैं या गुस्सा आता है, जो भी है वो हम प्रेम की वाणी में नहीं बात कर सकते, लेकिन जब जिसे हम सही राह पे लाना चाहते हैं, उन्हें ये पता ज्ञात रहना चाहिए हमेशा कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये तो मुझसे हमेशा प्रेम करती है, इन्होंने प्रेम नहीं छोड़ा है। हाँ, ये मेरी बातों से सहमत नहीं है, बट ये प्रेम पूरा है इनको मेरे प्रति। और अगर वो बात कर सकते हैं और आप में वो बातें बोलने की कला है, तो आप उनसे बातचीत कीजिए, बट पहले ये प्रेम वाले रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए वापस, और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो फिर वो उनकी स्वेच्छा है, भगवान भी हमें फ्री विल देते हैं जो हमें करना है, तो हमें ही पूरे भगवान चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने, हम गलत राह पे जा रहे हैं, हम तो भगवान लेकिन हमें अलाउ करते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते हैं कभी, हमेशा परमात्मा के जैसे हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे हम कोई भी राह में जा रहे हो, तो वैसे हमें भी फिर एक्सेप्ट करना है कि ठीक है इन्हें यही रास्ते पे जाना है, बट ठीक है मैं इनके साथ हूँ, प्रेम से हूँ। और प्रार्थना कीजिए भगवान से, पूरी प्रार्थना कीजिए कि मेरी इच्छा है कि ये ऐसे राह पे चले, लेकिन अगर आपकी ये इच्छा है तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। प्रार्थनाओं में मतलब प्रार्थना से भगवान मतलब प्रार्थना बड़ी है, बहुत बड़ी है। सो शिवानी जी, लव इज द की एंड प्रेयर इज द टूल, तो ये याद रखिए और इसे जितना अप्लाई कर सके उतना जरूर। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है आरएस स्टूडियो जी की तरफ से। ये कहते हैं, आई हैव एंजाइटी, हाउ शुड आई डील, कंटिन्यूअस पैनिक। तो आरएस जी कहते हैं कि इनको हर वक्त एंजाइटी रहती है, हर वक्त इनको पैनिक अटैक बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो कैसे ये इस सब से डील कर सकते हैं? आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर। तो ये प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह से आपको थोड़े समय तक मेडिकेशन अगर ले सकते हैं तो आप लीजिए, उससे आप एक काम स्टेट में आएंगे, क्योंकि
क्या होता है जब एंजाइटी ज्यादा हो रही होती है और ज्यादा पैनिक अटैक रहता है, तो हम क्या सही हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं फिर, व्हेन आप ऑलरेडी एंग्शियस हैं, ऑलरेडी इतने पैनिक में, और मैं आपको कहूँ कि नहीं आपको अपने विचारों को बदलना है, तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत डिस्टर्ब स्टेट में हैं। तो आप एक सही चिकित्सक के पास जाइए जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए, उनसे समझिए कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेद का भी आप सहारा ले सकते हैं, और ये दवाइयाँ लेने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, चाहे आप आयुर्वेद की चिकित्सा लीजिए या आप मनो मॉडर्न जो साइकाइट्री साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं इनके पास जाएंगे, वो आपको कुछ तो आपको एक टेक्निक्स बताएंगे या कोई दवाइयाँ देंगे या कुछ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप एक काम स्टेट पे वापस आएंगे। दवाइयों के कारण आप बैलेंस में रहेंगे, तो जब आप बैलेंस में रहेंगे ना, तो आपके सोचने समझने की पूरी शक्ति वापस आएगी आपको। अभी क्या है, सोचने समझने की शक्ति पूरी गायब है क्योंकि आप एंग्जाइटी और पैनिक में हैं। तो दवाइयों से आप एक समता में रहते हैं, सोचने समझने की शक्ति बराबर आती है, फिर आप अपने आप को हील कर पाते हैं, या आप जैसे प्रॉपर कोई कोच हो या थेरेपिस्ट हो या जो आपके परिवार में जो लोग हों वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ऐसे विचारों के कारण मुझे एंग्जाइटी और पैनिक होता है, तो मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। बट पहले एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। और एक एंग्जाइटी के ऊपर हमने शायद नवंबर या दिसंबर में एक पूरा शो किया था, हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आप वो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जी, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ नमिता जी, जो कि आ रहा है 2000 पप्पू जी की तरफ से। ये कहते हैं, आर ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग रिलेटेड? आई टेंड टू थिंक इमीडिएटली नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है? इनको बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है? नमिता जी क्या कहेंगी? देखिए, ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव थॉट्स से कनेक्टेड नहीं होती है, बट हाँ, इन दोनों का कनेक्शन है। कई बार ओवर थिंकिंग ऐसे भी होते हैं कि कोई अपना कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं या उनका कुछ ऑफिस में कोई डेडलाइन है या कुछ है, तो उसके कारण भी उस डेडलाइन को कैसे अचीव करना, कैसे क्या करना, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे टीम में लोग हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे किसी के घर में अगर शादी है तो उसको कितनी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तो उसे लगता है कोई मिस ना हो जाए, तो उसके कारण भी एक ओवर थिंकिंग होती है। अब आपके केस में जो है ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग रिलेटेड, ये मैंने जैसे शुरू में कहा है कि ये जो फियर है, मेन रीजन इज फियर, आसक्ति है और डर है, भय। तो आप क्यों नेगेटिव सोचते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा क्या अनर्थ होने वाला है, आप पहले अनर्थ के बारे में सोचते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जैसे भागवत में वर्णन है कि एक बार एक छोटी कीड़ी को एक बड़ी कीड़ी ने पकड़ लिया था, तो वो बहुत भयभीत हो गई थी और उसको जाल में फंसा लिया था। तो वो छोटी कीड़ी हमेशा भयभीत थी कि अच्छा ये बड़ी कीड़ी आके मुझे खा लेगी, बड़ी कीड़ी आके मुझे खा लेगी, बड़ी कीड़ी आके मुझे खा लेगी, और वो सारे टाइम बड़ी कीड़ी का ध्यान कर रही थी। तो बाद में वो खुद ही वो बड़ी कीड़ी के जैसा उसका स्वरूप हो गया। तो जो आप सोचते हैं ना वैसा होता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना कि अच्छा ये तो कुछ गलत ही होने वाला है, ट्रेन मिस ही होने वाली है, प्लेन मिस ही होने वाला है, दूर ढूंढने वाला है, अच्छा जॉब छूटने वाला है, मुझे बोनस नहीं मिलने वाला है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, मेरी बीवी आज भी मुझे डांटने वाली है, या मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, बहुत गलत निकलने वाले हैं, अगर हम ऐसे डर में, ये सब डर के कारण है, क्योंकि हमें चाहिए कि नहीं सब ठीक हो, लेकिन हम डर के कारण इतना डरते हैं वो नेगेटिव आउटकम से। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो जो आपके जो इच्छा शक्ति है, ये सोचने की शक्ति है, वो पूरी हो जाती है, फिर वैसा ही हो जाता है। तो नेगेटिव थिंकिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि शायद आपको डर है कि वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, अगर वो होगी तो आई कैन नॉट फेस इट, मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा को हमको चेंज करना है कि ठीक है, जो भी होगा मैं फेस करूंगा, उसको साथ जीवन में डील करूंगा, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा मैं फेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और जीवन खट्टा और मीठा है, तो खट्टा भी होगा, कभी कभी तीखा बहुत ज्यादा होगा आपकी भेल में, तो लेकिन फिर मीठी चटनी डाल के आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो नमिता जी की रेसिपी से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हम नेगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं, क्योंकि
कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, यू आर व्हाट यू थिंक. यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही बन जाएंगे, यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे. तो इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों से, जिन जिन के हम प्रश्न नहीं ले पाए हैं, उन सबसे माफ़ी चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपके जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में आफ्टर द शो पोस्ट कीजिए. हमारी टीम या नमिता जी पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के प्रश्नों का उत्तर करने का. समय के अभाव के कारण हम आप सबके क्वेश्चंस नहीं ले पाए, उस बात के लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी. तो नमिता जी, जाते जाते एक फाइनल मैसेज, कुछ फाइनल टिप्स हमारे व्यूअर्स को जो आप देना चाहे कि ओवरथिंकिंग का क्या एक रामबाण इलाज है. मैं एक्रोनिम तैयार करके आई हूँ आज. तो ये रामबाण ये है लेगोस. लेगो खेलते हैं ना बच्चे. ओ यस. तो लेगोस, LEGOS. तो ओवरथिंकिंग के लिए पहले तो हमारे लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए. एल फॉर लाइफस्टाइल, जीवन शैली. जो योगा के जो यम नियम है, जो डूज एंड डोंट्स है, जो हमें भक्ति में भी बताए जाते हैं, कैसी डाइट खाएं, प्रसाद से भी पूरा मन बनता है, तो अच्छा प्रसाद खाइए तो मन ठीक रहता है. तो आप क्या सेवन, कैसे प्रसाद क्या सेवन करते हैं, कैसे भोजन का, सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, इसे फिक्स्ड रखिए. आपके खाने पीने के समय को फिक्स्ड रखिए. व्यायाम इंट्रोड्यूस कीजिए. क्या होता है कि सब डिजिटल हो गया और हम सब घर में बैठे रहते हैं तो हम ये नहीं करते हैं. शरीर थकता नहीं है, शरीर को थकाइए ताकि मन उतना सोचने की शक्ति नहीं रहे. मन को सारी शक्ति मन में चली जाती है. शरीर को थकाइए, बिल्कुल ना. और प्राणायाम कीजिए. तो ये हो गया आपका लाइफस्टाइल. ई इज फॉर ईगो. थोड़ा ईगो घटा लीजिए. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से छूटिए. इसको मेरे साथ ऐसे करना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए. जिससे सब टाइट पकड़ के, जैसे मेरे पापा बोलते, इतना टाइट पकड़ के नहीं रखना चाहिए चीजों को ना. तो थोड़ा ईगो कम कीजिए. ठीक है. जी इसको गोल. गोल बनाना बहुत जरूरी है और उस पर पूरे टाइम एक मन से पूरा फोकस करके, उस पर फोकस करके उसमें आगे बढ़ना. और वो गोल भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए या भगवान की सेवा से कुछ कनेक्शन होना चाहिए. अपने से कुछ बड़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस मैं मेरी जरूरतें पूरी कर लूँ, ये गोल. ये तो गोल सबका होता है. एक ऐसा अपने से बड़ा कुछ गोल होना चाहिए, उस पर फोकस रहना चाहिए और उसको पूरी करने की में कार्यरत रहना चाहिए. तो उससे भी फिर क्या है, माइंड ऐसे छोटी छोटी बातों पर नहीं जाता है. तो ये हो गया जी. जी ओ है ओके. सब ओके हो जाएगा. अगर ओके नहीं होगा तो मैं ओके रह के उसको ओके कर दूंगी. भगवान उसे ओके कर देंगे. सब ओके है. खराब भी हो रहा है तो ओके है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ. एंड एस इज स्पिरिचुअलिटी. गीता पढ़िए. हरे कृष्णा टीवी पे इतने सारे गीता के लेक्चर्स हैं, भागवत के लेक्चर्स हैं, उनको उनको सुनिए. भगवान की भक्ति में लीन हुई है. भगवान का नाम लीजिए. हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब जाप कीजिए और भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए. और आप कौन हैं ये इसकी ज्ञान बढ़ाइए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, है ना. पता नहीं कितने चीज़ों में मैं पिछले जन्मों में फेल हुई होंगी और पता नहीं कितने डिवोर्स हुए होंगे और पता नहीं कितना क्या हुआ होगा, कितने जॉब चेंज हुए. ठीक है, वो मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे इतना टेंशन ले लिया था. वो सब क्षण भंगुर है अगर पूरा ऐसा 10,000 फुट ऊपर जाके व्यू ले तो. स्पिरिचुअल फोकस बढ़ा के. तो लेगोस, लाइफस्टाइल, ईगो कम, गोल्स, एवरीथिंग इज ओके ओ, एंड स्पिरिचुअलिटी. ऑल द बेस्ट. तो नमिता जी के इस रामबाण उपाय को हम सब कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का. और इसी के साथ नमिता जी, थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम निकाला और हम सबको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम्स के इतने सारे सॉल्यूशंस दिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. तो दर्शकों, जैसा कि नमिता जी ने पूरे शो में हमें ये समझाया कि ओवरथिंकिंग का कारण क्या है, वो है डर और आसक्ति, फियर एंड एंग्जाइटी, fear and attachment. और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भगवान स्वयं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में दे रहे हैं.
और वो क्या है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, मा शुच कह रहे हैं। मा शुच मीन्स डू नॉट फेयर। डर जब खत्म हो जाएगा और भगवान के साथ जब वो अटैचमेंट जुड़ जाएगी, तब बाकी सब अटैचमेंट्स की वजह से ओवर थिंकिंग नहीं होगी और कोई लाइफ में डर नहीं रहेगा। कोई डर और कोई अटैचमेंट का फीलिंग नहीं है तो डेफिनेटली हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से डेफिनेटली सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इसी फाइनल मैसेज के साथ मैं रिचा आप सब से आज्ञा चाहूंगी, मिलेंगे हम अगले हफ्ते लाइफ कोचिंग विद नमिता में एक और इशू का सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा।